नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर के आमागढ़ मंदिर में पूजा अर्चना, गोलमा देवी ने समर्थकों के साथ की है पूजा। चार गाड़ियों में समर्थकों के साथ पहुंची है गोलमा देवी। समर्थकों ने भोलेनाथ का जयघोष किया है और 11 बजे तक रामकेश मीणा भी आमागढ़ पहुंच सकते हैं, जानकारी सामने आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोलमा देवी ने पूजा अर्चना की है आमागढ़ मंदिर में। पूजा अर्चना की है गोलमा देवी ने, समर्थकों के साथ ही पूजा अर्चना की गई है। चार गाड़ियों में समर्थकों के साथ गोलमा देवी पहुंची और समर्थकों ने भोलेनाथ का जयघोष किया है। बता दें कि 11 बजे तक रामकेश मीणा भी आमागढ़ पहुंच सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। कब्जा, कोई कब्जा नहीं किया मंदिर है, भोले भगवान का पूजा करवाए हैं, कोई कब्जा करवा से लिया है और मंदिर पढ़ना चाहिए पूजा, सभी लोग करें सब। हाँ, और न्याय करते हैं, शुरू से करवाए हैं, बड़ा बूढ़ा करते आए हैं न्याय। तो पूजा में अच्छा मन लगा, अच्छा मन लगा, देखो हन? तो अब आगे मंदिर माता जी के जाना है, दर्शन जाना है, माता जी का दर्शन कर रहा हूँ। पहले बेई खोल गए और अब गोलमा जी आ गई, अब ये दिल्ली में, दिल्ली से आते हैं और दिल्ली माता जी ये न। तो तस्वीर आप देखिए, गोलमा देवी पहुंच चुकी है और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। चार गाड़ियों में समर्थकों के साथ गोलमा देवी पहुंची और समर्थकों ने भोलेनाथ का जयघोष यहां पर किया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 11 बजे तक रामकेश मीणा भी आमागढ़ पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आमागढ़ पर जो सियासत थी लगातार जारी थी और गोलमा देवी ने पूजा अर्चना की है पहुंचकर यहां पर और समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे और चार गाड़ियों में समर्थकों के साथ गोलमा देवी यहां पहुंची और पूजा अर्चना की गई है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जयघोष के साथ पूजा अर्चना की गोलमा देवी ने और जानकारी ये मिल रही है कि रामकेश मीणा भी करीब 11 बजे सुबह पहुंच सकते हैं आमागढ़। तो आपने अभी बयान भी सुना किस तरीके से जो समर्थक मौजूद थे, कहा कि न्याय मिला है उन्हें, समर्थकों के साथ गोलमा देवी भी पहुंची है जिस आमागढ़ पर लगातार सियासत जोरों पर थी और उसी पर अब देखिए उसके बाद की तस्वीरें। अब मंदिर में पूजा अर्चना की गई है, गोलमा देवी ने समर्थकों के साथ यहाँ पूजा अर्चना की और अब रामकेश मीणा के भी पहुंचने की जानकारी यहाँ मिल रही है।